सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज शाश्वत एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज हम कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं, किसी राइड पे नहीं जा रहे हैं, कोई ट्रैवल व्लॉग नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। हम घर पे बैठे हैं और एक इन्फॉर्मेटिव व्लॉग बना रहे हैं। सो अगर आप किसी भी तरह का कंटेंट क्रिएट करते हैं, मे बी फेसबुक पे या यूट्यूब पे, या फिर यूट्यूब पे आपका कोई व्लॉगिंग चैनल है, राइडिंग बाइक राइडिंग चैनल है, या फिर कोई ट्रैवल व्लॉगिंग चैनल है, किसी भी तरह का व्लॉगिंग चैनल है, और आपको नॉन कॉपीराइटेड म्यूजिक चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आप किसी भी तरह का कंटेंट नहीं क्रिएट करते हैं और आप यहाँ तक आ गए हैं इस वीडियो तक, तो भाई देख लो कौन सी बड़ी बात है। अब बात आती है म्यूजिक ढूंढे कहाँ से। आप म्यूजिक ढूंढे यूट्यूब क्रिएटर स्टूडियो पे। यूट्यूब क्रिएटर स्टूडियोज पे जितने भी गाने हैं वो सारे नॉन कॉपीराइटेड हैं और सारे गाने फ्री हैं, तो वो अपने व्लॉग्स में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेरे ओपिनियन में वहाँ जितने भी गाने हैं वो लिमिटेड हैं, और मैंने एक दो बार ट्राई किया है, मेरे ब्लॉग कंटेंट के हिसाब से वहाँ जो गाने हैं वो सूटेबल मुझे लगे ही नहीं कभी। तो दूसरी बात, वहाँ गाने लिमिटेड हैं और एक टाइम के बाद गाने ख़त्म हो जाएंगे और आपको गाने रिपीट करने पड़ेंगे, तो मज़ा नहीं आएगा। इसके बाद गाने कहाँ से ढूंढें, तो आप गाने ढूंढें soundcloud.com पे। soundcloud.com पे पूरे चैनल्स हैं जो नॉन कॉपीराइटेड म्यूज़िक बनाते हैं। वहाँ पे जाके आप सॉन्ग सेलेक्ट कर सकते हैं और अपने ब्लॉग में यूज़ कर सकते हैं। चैनल्स का नाम जैसे कि चिल हॉप म्यूज़िक, मिस्टर सुइसाइड चीप, या नॉन कॉपीराइटेड म्यूज़िक फॉर व्लॉग्स। लेकिन अगर आपको पर्सनल सर्विस चाहिए गानों के लिए और आपको ज़रा ढूंढना ना पड़े, सिर्फ एक प्रोफाइल मिल जाए, आपको सारे गाने मिल जाएँ, तो आपका भाई बैठा है यहाँ पे। आप मेरी प्रोफाइल पे जाइए, शाश्वत खरे के नाम से मेरी प्रोफाइल है, मेरी प्रोफाइल पे जाइए और वहाँ पे जाके जितने भी गाने मैंने लाइक किए हैं वो सब गाने नॉन कॉपीराइटेड हैं, फ्री म्यूज़िक है, वो आप लोग यूज़ कर सकते हैं अपने व्लॉग्स में। वो वही गाने हैं जो या तो मैं यूज़ कर चुका हूँ अपने व्लॉग्स में या मैं यूज़ करूँगा, तो वो सारे नॉन कॉपीराइटेड हैं, वो अपने व्लॉग्स में आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब गाने मिल गए आपको, गाने सेलेक्ट कर लिया आपने, लेकिन अब क्वेश्चन आता है हाउ डू यू यूज़ म्यूज़िक इन योर व्लॉग्स। तो तीन लेवल्स हैं म्यूज़िक अपने व्लॉग्स में यूज़ करने के। लेवल वन, कोई भी सीक्वेंस चल रही है, कोई भी अच्छा सा सीन चल रहा है, आपने टाइम लैप्स लिया है, स्लो मो लिया है, तो खाली जगह है जहाँ पे वीडियो में, और वहाँ भी आपको म्यूज़िक लगाना है। आप कोई भी म्यूज़िक लगाइए और उसको अटैच करिए, वीडियो सिंक करिए और आपकी एडिटिंग हो गई। लेवल टू, ये थोड़ा एडवांस लेवल है, ये मैं भी थोड़ा टाइम पहले ही सीखा हूँ अपने ब्लॉग्स करते करते, एडिटिंग करते करते। सो इसमें आपको करना क्या है, आप कोई भी गाना सेलेक्ट करिए, उस गाने में जहाँ पर भी बीट आ रही है उस बीट पे अपना वीडियो पे जहाँ पर आप गाना डाल रहे हैं वीडियो कट कर दीजिए। वीडियो कट करके उसका सेकेंड पार्ट लगाइए, तो उस बीट पे जब गाना कट होगा, जब वीडियो कट होगा, तो एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो जाएगा, तो लोगों को लगेगा कि इस वीडियो के हिसाब से यही गाना इसके लिए बना हुआ है, ये गाना बना ही इस वीडियो के लिए है। वो बेस्ट लगेगा, एक मेमोरी क्रिएट हो जाएगी और सबसे अच्छा लगेगा ये वीडियो और ये गाना साथ में देखने के लिए। सो अब आता है लेवल थ्री। लेवल थ्री में आपको क्या करना है, लेवल थ्री में जो गाने की बीट्स हैं उसे अपने वीडियो के साउंड इफेक्ट्स के साथ सिंक करें। अब साउंड इफेक्ट्स क्या होते हैं भैया, साउंड इफेक्ट्स वो होते हैं जो आपके वीडियो में आपके बोलने के अलावा और जो भी साउंड रिकॉर्ड हो रही है, मे बी कांच टूट रहा है, बाइक जा रही है, हवा की आवाज़ है, कुछ गिर रहा है, तो वो जो भी आवाज़ है वो साउंड इफेक्ट्स होते हैं। अब जब गाने की बीट के साथ आप साउंड इफेक्ट्स को सिंक करेंगे तो सुनने वाले को और देखने वाले को दोनों को ही बहुत अलग एक्सपीरियंस क्रिएट होगा और बहुत मज़ा आएगा देखने में। तीन लेवल्स ऑफ वीडियो एडिटिंग जो भी मैंने सीखे हैं अपने लाइव एक्सपीरियंस से, खुद वीडियो एडिटिंग करके, या फिर जो भी मैं ब्लॉगर्स को फॉलो करता हूं उन लोगों को देख के। सो ये थे तीन लेवल्स ऑफ वीडियो एडिटिंग। इसके अलावा भी और लेवल्स होते होंगे और चीज़ें होती होंगी, सो वो मुझे अभी नहीं आता, कभी आएगा तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना के आप लोगों को दिखाऊंगा। लेकिन ये तीन जो लेवल्स हैं कोई रूल नहीं है,
ये मेरे को अच्छा लगा और जो मैंने सीखा मैंने उसके हिसाब से ये एक वीडियो बनाया जो मुझे लगता है होप आप लोगों के लिए ये हेल्पफुल रहेगा। तो लेकिन अगर आप एक ब्लॉग बना रहे हैं सो उसमें गाना, सिर्फ और सिर्फ गाना डालने से काम नहीं चलेगा। ब्लॉग में आपका बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ब्लॉग में बोलेंगे नहीं तो बहुत मोनोटोनस हो जाएगा, वो लगेगा कि कोई शादी का वीडियो चल रहा है, कुछ चल रहा है, आप लोग चल रहे हैं और एक म्यूज़िक बज रहा है बस, और कुछ नहीं लगेगा। सो ब्लॉग में आपको बोलना बहुत ज़रूरी है। सो इस ब्लॉग के लिए बस इतना ही एंड आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा। सो आई सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। सो टिल देन ईट वेल, स्लीप वेल, राइट सेफ एंड एंजॉय माय डियर फ्रेंड्स एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। बाय बाय, टेक केयर। सो एक और ज़रूरी बात कि आप इंटरनेट पे जब एडिटिंग करते हैं तो आप अपने व्यूअर का अटेंशन ग्रैब करने के लिए एडिटिंग करते हैं। सो उसमें आपको करना ये होता है कि आपके व्यूअर के पास 1 करोड़ ऑप्शंस हैं वीडियो के, लेकिन आपको उस व्यूअर को अपने वीडियो पे रोकना है तो अटेंशन उसका ग्रैब करने के लिए आप एडिटिंग करते हैं। लेकिन ये 3 लेवल्स ऑफ जो एडिटिंग मैंने आपको बताया वो अगर आप कोई कमर्शियल बना रहे हैं तो उसमें आप यूज़ मत करिएगा। उसमें एक डिफरेंट लेवल ऑफ एडिटिंग होती है। उसमें आप एडिटिंग इसलिए करते हैं ताकि आप व्यूअर से कनेक्टिविटी बिठा पाएँ और उसमें एक इमोशन क्रिएट कर पाएँ ताकि वो व्यूअर उस जो प्रोडक्ट है जो कमर्शियल है उससे कनेक्ट कर पाए अपने आप को। तो ठीक है, ओके, बाय बाय।